हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में करेंगे रिव्यू एक ऐसे टीवी का जो कि आ रहा है मार्क यू बाय फ्लिपकार्ट की तरफ से, और ये टीवी है 43 इंच का एंड्रॉइड सर्टिफाइड टीवी। अब बात करते हैं अनबॉक्सिंग की। तो बॉक्स को जैसे ही आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। पहली चीज मिलेगी यहाँ पे स्टैंड। जो टीवी के स्टैंड है वो लगता है कि वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में वो काफी स्ट्रांग है। अगर आप उनको बेंड भी करने की कोशिश करेंगे, खुद अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं टूटेंगे। और यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी बात है, लुक एंड फील में ये अट्रैक्टिव भी है और यहाँ पे काफी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये सूट करते हैं टीवी के साथ, अगर आप इन स्टैंड को यूज करना चाहें। अदरवाइज अगर आप टीवी को वॉल पे माउंट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पे। जी हाँ, और वॉल माउंट आपके टीवी के पैकेज के अंदर ही आ रहा है। वो ऐसा नहीं है कि आप फोन करेंगे भाई इंस्टॉलेशन के लिए कोई आएगा वो वॉल माउंट लेके आएंगे। वॉल माउंट आपको टीवी के अंदर ही मिल जा रहा है, पैकेज के अंदर ही मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको एक नहीं दो टीवी के रिमोट मिलते हैं, और यहाँ पे एक तो रेगुलर रिमोट मिलता है जिसमें एक बहुत ही बढ़िया बटन है जिसको हम कहते हैं यूट्यूब, लाल कलर का यूट्यूब बटन है। अब लाल कलर के यूट्यूब बटन से मुझे एक और चीज याद आ रही है, नीचे भी एक लाल कलर का बटन है जिसको सब्सक्राइब बटन बोलते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे दो टीवी के रिमोट मिल जाते हैं, एक टीवी का रिमोट जो है रेगुलर वाला है और दूसरा जो टीवी का रिमोट है वो और भी स्मार्ट है और काफी स्टाइलिश भी लगता है वो रिमोट। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि टीवी को अगर आपको बाहर निकाल के लगाना है तो वो एक बंदे का काम नहीं है, उसके लिए आपको दो बंदे चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पैकेजिंग है, अगर आप टीवी को एक हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे तो उस केस में पॉलिथिन फट सकता है और वो सही भी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप ये टीवी लेते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन तो फ्री मिलेगी। तो ऐसे में आप मार्क यू बाय फ्लिपकार्ट को फोन कीजिए और वहां से कोई आके आपका टीवी इंस्टॉल फ्री में करके जाएगा। एंटरटेनमेंट रिलेटेड एप्स की बात करें तो क्योंकि ये एक एंड्रॉइड सर्टिफाइड टीवी है तो यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाता है, जिसकी वजह से आप कोई भी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि हॉटस्टार। यहाँ पे आप बहुत सारा एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट, मूवीज, टीवी शोज वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं। इसी के साथ आपको और एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन भी मिलती हैं यहाँ पे। गेमिंग वगैरह के लिए भी आप अलग अलग तरह के गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं और मजा ले सकते हैं इस टीवी पे एक बड़ी गेमिंग एक्सपीरियंस का। और म्यूजिक वगैरह अगर आपको स्ट्रीम करना है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि कुछ यूएसबी ड्राइव में आपके पास है और वो आप प्ले करना चाहते हैं तो इसी टीवी में आपको डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं किसी भी ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस को लगा के अपने टीवी के साथ डायरेक्टली। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे इस टीवी में मिलता है आपको आईपीएस पैनल और साथ ही साथ स्मूथ मोशन रेट, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ही स्मूथ वीडियो प्लेबैक मिल जाता है। साथ ही साथ इस टीवी में आपको एचडीआर भी मिल जाता है, जो कि बाकी और टीवी पे इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट में नहीं है, जो कि डेफिनेटली इस टीवी को और भी स्पेशल बना देता है। साथ ही साथ ये एक 4K UHD टीवी है, यानी कि इसका रेजोल्यूशन है 3840x2160, यानी कि काफी हाई रेजोल्यूशन के साथ आपको 4K इस टीवी में मिल जाता है। और क्रोमकास्ट यहाँ पे इनबिल्ट मिल जाता है इस टीवी में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर आप फोन से कुछ स्ट्रीम करना चाहते हैं, यानी कि फोन के डिस्प्ले को मिरर करना चाहते हैं टीवी पे, तो उसके लिए आपको कोई डोंगल, कोई थर्ड पार्टी एसेसरी की जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट आपके टीवी के अंदर फीचर आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें लुक एंड फील, तो लुक एंड फील टीवी की ऐसी लगती है कि शानदार टाइप की आउट ऑफ फ्रेम है, वो काफी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है, वो डिस्प्ले के साथ काफी सूट करता है, ग्रेश से पैटर्न में आता है, थोड़ा सा शाइन भी करता है। तो यहाँ पे स्लीक एंड स्टाइलिश जो लुक एंड फील है आपको टीवी की मिल जाती है। और ऐसे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पैनल है, जो फ्रेम है, वो बेसिकली प्लास्टिक वाला फ्रेम है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करें और चीज़ों की, यहाँ पे तो पावर कॉर्ड आपको मिल ही जाता है, एवी केबल भी आपको पैकेज के अंदर मिल जाती है, तो अगर आपको टीवी वीसीआर वगैरह लगाना है तो वो आप डायरेक्टली जो है लगा सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो कनेक्टिविटी में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको 3 HDMI के पोर्ट, 2 USB के पोर्ट, AUX का पोर्ट भी दिया है, यानी कि कंजूसी नहीं करिए, 3.5 KML होती है, 3.5 जैक जो है वो दिया गया है, जिससे आप हेडफोन या फिर एक्सटर्नल स्पीकर जो है लगा सकते हैं। डिजिटल ऑडियो आउटपुट भी दिया गया है, यानी कि आप और भी बेहतर क्लैरिटी का ऑडियो जो है ले सकते हैं। अगर आपके पास साउंड बार है और उसमें डिजिटल ऑडियो इनपुट है तो वो चीज यहाँ पे काम आएगी, आप केबल वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं। LAN 45 वाला RJ45 LAN पोर्ट भी दिया गया है। तो वैसे तो टीवी में इनबिल्ट वाईफाई है, लेकिन अगर आप राउटर से कनेक्ट करना चाहते हैं टीवी को और वो आप वायर से ही कर सकते हैं अपने राउटर में किसी वजह से, तो वो भी ऑप्शन यहां पे आपको मिल जाता है।
लेकिन उसके लिए आपको लैन केबल अलग से खरीदनी पड़ेगी। एवी इनका पोर्ट भी दिया गया है और एक है सर्विस पोर्ट जिसको आपको नहीं छेड़ना है क्योंकि वारंटी आपकी वॉइड हो जाएगी अदरवाइज। अगर हम बात करें साउंड आउटपुट की तो 20 वॉट के स्पीकर्स हैं, अच्छी खासी साउंड आपको 10 से 12 बाय कमरे में मिल जाएगी। साथ ही साथ इस टीवी में आपको डॉल्बी डिजिटल विद ट्रू सराउंड साउंड इफेक्ट भी मिल जाता है जिससे साउंड क्वालिटी और भी बेहतर आपको मिलती है। वारंटी यहाँ पे 1 ईयर की मिलती है, आपको लिमिटेड वारंटी यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो कलर्स यहाँ पे काफी विविड है, टीवी की जो ब्राइटनेस है वो भी काफी अच्छी है, 1 बिलियन कलर्स आपको मिल जाते हैं, HDR डिस्प्ले है ये, तो ऐसे में कलर्स के मामले में बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले आपको मिल जाता है इस टीवी में। अगर हम बात करें यूजर इंटरफेस की तो यूजर इंटरफेस बिल्कुल स्लीक स्मूथ स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील आपको मिल जाएगा क्योंकि ये एंड्रॉइड टीवी है, तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर भी मिल गया आपको और वहां से आप नेटफ्लिक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो आपको पूरी आजादी है, आपको जो इंस्टॉल करना है वो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही साथ जो यहां पे रिमोट है टीवी का उसमें वॉइस कमांड का सपोर्ट है, तो अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो बस बटन दबाइए, बोलिए रिमोट पे और वो आपका टीवी पे सर्च हो जाएगा। सलमान खान प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो प्राइसिंग भी काफ़ी एग्रेसिव है इस टीवी की और वही चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी में बहुत सी चीज़ें मिल रही है। अगर आप ये टीवी खरीदते हैं तो आपको माक्यू बाय फ्लिपकार्ट की तरफ से फ्री इंस्टॉलेशन मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल सपोर्ट भी है जिसके अंदर तकरीबन 300 सिटीज़ में इनके सर्विस सेंटर्स हैं और यहाँ पे आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का इशू फेस होता है इस टीवी के बारे में। अगर हम बात करें ओवरऑल रेटिंग की तो मैं इस टीवी को रेट करूंगा 4/5 में से और इसकी प्राइस है 27,999, तो इस प्राइस में ये 4K टीवी आपको बड़ा सही मिल जा रहा है। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, HD कंटेंट देखना हो या 4K कंटेंट देखना हो तो उसकी क्लैरिटी यहाँ पे अच्छी है, डिस्प्ले की क्लैरिटी अच्छी है, व्यूइंग एंगल्स भी बढ़िया है। अगर आप इधर उधर से देखते हैं टीवी को, साइड में खड़े होकर देखते हैं, तब भी आप टीवी को क्लियरली देख पाएंगे और वो चीज भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस टीवी के अंदर काफी कुछ है प्राइस के हिसाब से जो आपको मिल रहा है। फाइनली अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं आपको कंपैरिजन के हिसाब से, अगर आप इस तरह का सिमिलर स्पेक्स वाला टीवी लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको वो टीवी 40,000-42,000 रुपए का पड़ेगा बाकी ब्रांड्स की तरफ से। और ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इस टीवी की प्राइस क्या है, क्या ये 35,000 का है या 30,000 का है। एक्चुअली इसकी प्राइस और भी बेहतर है और इस प्राइस पे डेफिनेटली ये टीवी बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी टीवी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप इस टीवी को खरीद सकते हैं 27,999 जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस है और इस प्राइस पे मैं फुल्ली आपको रिकमेंड करता हूँ इस टीवी को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए गिव अवे है, यानी कि गिव अवे के वाउचर्स, और वो आपको मिलेंगे तब जब आप नीचे छोड़ेंगे कमेंट, इस वीडियो को करेंगे लाइक और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो नीचे लिख दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।